हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास सिक्स। टुडे आई विल लर्न अबाउट सोर्सेस मटेरियल ऑफ हिस्ट्री। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा है हिस्ट्री में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज़ मीन द बीसी एंड एसी, द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क्स। ये सारे ऐसे फैक्टर थे जो हिस्ट्री को प्रभावित करते थे। अब हम लोग देखेंगे सोर्सेस मटेरियल्स ऑफ हिस्ट्री। कौन से ऐसे सोर्स हैं, कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो हिस्ट्री के लिए बहुत ही आवश्यक है। अ सिस्टमेटिक एंड थ्रू स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन सोर्स अवेलेबल फॉर इट्स स्टडी। देयर आर न्यूमरस सोर्स ऑफ स्टडी हिस्ट्री सच एज बुक्स, मॉन्यूमेंट्स, inscriptions, coins, but before making use of source of materials, it's quite essential classify these sources। हम देखेंगे किसी भी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए ये अवेलेबल है कि उसके कौन से सोर्सेस अपने आसपास उपलब्ध हों। यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी numerous sources available हैं जिसके तहत पूरी तरीके से हिस्ट्री की हम स्टडी करते हैं। उनमें तमाम तरीके की बुक्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन होती हैं जिनके द्वारा हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। तो ये सारे सोर्सेस जो उस टाइम के सोर्सेस मिलते हैं जिनके बेस पर हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, इन सारे मटेरियल को जो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने इन सारे चीज़ों को दो सेक्ट में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड सेकंड इज लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इज द स्टडी ऑफ एंशियंट टाइम, रिस्पेक्ट सोसाइटी, कल्चर। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शन, क्वाइन, मॉन्यूमेंट्स, आर्टफैक्ट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द राइटिंग ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। एज देयर आर नॉट मच रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, दीज सोर्सेज प्रोवाइड अ ग्रेट हेल्प टू स्टडी एंशियंट हिस्ट्री। द चीफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और हम देखेंगे जो बहुत सा जो आर्कियोलॉजी है वो एक ऐसी साइंस है जो एंशियंट टाइम्स की सोसाइटी और उसके कल्चर्स के बारे में बताती है। जो बहुत सारी ऐतिहासिक सोर्सेस है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, उसमें इंस्क्रिप्शन, क्वाइन, मॉन्यूमेंट्स, आर्टफैक्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेस पर हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। इनके अलावा हम देखेंगे चूँकि जो एंशियंट टाइम है उसकी बहुत ज़्यादा रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, इस नाते ये जो सोर्सेस हैं क्वाइंस, मॉन्यूमेंट्स, ये सारे हिस्ट्री के बारे में स्टडी कराते हैं या हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं। द चीफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, मुख्य आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं उनको हम देखेंगे। रिसेंटली, ये आपका इन्फो जोन है, रिसेंटली द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ सिटी अंडर अ सी नियर गुजरात। इट इज़ बिलीव दैट इस द्वारका इट इज़ बिलीव दैट द्वारका, द सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अनदर रिसेंट एग्जीक्यूबेटेड राखी ग्रही इन हरियाणा। रिसेंटली जो आर्कियोलॉजिस्ट हुए उन्होंने गुजरात के नियर, सी के नियर एक सिटी को डिस्कवर किया जिसको माना जाता है कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी। वैसे ही हरियाणा में एक राखी गढ़ी है जिसको रिसेंटली एक्सकवेटेड किया गया, उसमें ये सारी सोर्सेस अवेलेबल होती हैं। एक्सकवेटेड सोर्सेस मटेरियल, द आर्टिकल एंड टूल्स फाउंड इन एक्सकवेशन गिव
us great amounts of information in the study about the lifestyle and culture of the people of that age, our knowledge, prehistoric time, and the Harappan culture exclusively based on excavated sources. Pottery, coin, tools, weapons, ornament tell us about life culture of that time. बहुत सारी आर्टिकल्स एक्सकवेशन में, दैट मीन्स जब ज़मीनों की खुदाई हुई तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो उस टाइम के पीपल्स की एज, लाइफ स्टाइल और कल्चर के बारे में बताती है. अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत सारी प्री हिस्टोरिकल टाइम में या फिर हड़प्पन कल्चर के टाइम में हमें बहुत सारी एक्सकवेटेड सोर्सेज अवेलेबल हैं. उनमें पोट्री, कॉइन, टूल्स, बिपोन्स और बहुत सारे आर्नामेंट्स मटेरियल हैं जो उस टाइम के कल्चर और लाइफ के बारे में हमें बताती हैं. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन टू नो इंडियाज़ पास्ट. हम देखेंगे जो इंस्क्रिप्शंस है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है. इंस्क्रिप्शंस आर वर्ड इनग्रेव्ड ऑन स्टोन, मेटल, पिलर्स, वॉल, टेम्पल्स एक्सेट्रा. दे सर्व एज टच स्टोन एंड इवैल्यूएट द ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस. दे टेल अस अबाउट नेम्स, डेट्स ऑफ द किंग, विक्टोरीज, बैटल, एक्सटेंड देयर किंगडम्स, अदर इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ पीरियड्स. फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री ऑफ अशोका इज कंस्ट्रक्टेड पिलर रॉक इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्ड जो इनग्रेव्ड करके नक्काशी पे लिखा गया हो, उसको काट करके लिखा गया हो, चाहे वो मेटल पे हो, पिलर पे हो, वॉल पे हो, टेम्पल पे हो, जिसको हम टच करके पूरी तरीके से उस पे जो दी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हो, इन्हीं को हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. जो इंस्क्रिप्शंस होता है वो उस राजा का या उस किंग्स का नेम्स, डेट्स, या उसने कितनी कितनी विक्टोरीज गेन करी बैटल में, इन सारे चीज़ों के बारे में बताती है. जैसे हम देखेंगे एक आयरन पिलर ऑफ मेहरौली है जो पूरी तरीके से अशोका हंस के द्वारा लड़ी गई तमाम तरीके की लड़ाई या फिर उनके राज्य में किस तरीके की सोसाइटी होती थी उसके बारे में पूरी तरीके से बता रहा है. एक इन्फो है कि जब हम इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं तो इसको हम इपिग्राफी कहते हैं. आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ कॉल्ड इपिग्राफी, तो आप कहेंगे, या फिर व्हाट इज़ इपिग्राफी, तो आप कहेंगे द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शंस की स्टडी कराना क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाती है. इंस्क्रिप्शंस आपने जान लिया क्या होता है. इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है कि किसी भी मेटल पे, स्टोन पे, वॉल पे, टेंपल पे इनग्रेव्ड वर्ड्स लिखा हो तो उसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उस टाइम के किंग्स के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में, उसकी विक्टोरीज के बारे में हमें जानकारी दिलाती है. इसलिए जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है कॉइन्स, ठीक है. उस टाइम की जो कॉइन्स होती है, जो सिक्के होते हैं, वो भी पूरी तरीके से हमें उस टाइम के बारे में बताते हैं या तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन हमें बताते हैं. जो कॉइन की स्टडी होती है उसको हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं. ड्यूरिंग एक्सकवेशन थाउजेंड्स ऑफ कॉइन बीन अनअर्थन, द अर्लीस्ट बिलोंग सेवेंथ सिक्स सेंचुरी बी सी. दीज कॉइन्स आर मेड अप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल. दे वियर मेनी फिगर्स एंड मार्क्स, मोस्ट ऑफ देम डेटेड दे थ्रू ग्रेट अमाउंट ऑफ लाइट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम. दे इनफॉर्म अस नॉट ओनली अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स बट ऑल्सो अबाउट द आर्ट ऑफ रिलीजन्स ऑफ एंशियंट पीरियड्स. दे ऑल्सो वियर नेम्स and patriots of ruler issued, for example, bearing patriot King Samudra Gupta, playing Veena, shows love for music, design, polish, coins tell us Aztec peoples of that periods. उनमें हम देखेंगे कि पूरी तरीके से जो coins होती है वो भी पूरी तरीके से उस time के कौन से king ने उसको पूरी तरीके से लागू किया था, या वो किस तरीके का फोन्स था, या gold, silver, copper किस तरीके की सिक्के वो पूरी तरीके से चलवाता था, वो उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताता है.
तो इस तरीके से जो क्वाइन भी है वो भी अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेस है जो हिस्ट्री के बारे में पूरी तरीके से बताता रहता है। नेक्स्ट इज़ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, बहुत सारी ऐसी मॉन्यूमेंट्स है जो इमारतें हैं, स्मारक हैं, जो उस टाइम के राजा के बारे में या फिर उस टाइम में किस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उसके बारे में बताई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ ऐसी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है मॉन्यूमेंट्स की, उनमें से एक ऐसी बहुत सारी ऐसे सिटीज़ हैं उनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वारीड को आप पूरी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि उस टाइम किस तरीके से मकान बनाए जाते थे। वैसे ही देखेंगे कुछ और बिल्डिंग जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल या फिर जो और बहुत सारी टेंपल्स मॉस्क हैं जिनमें जिनसे पता चलता है कि उन दिनों के लोग जो थे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत बड़े फोन्स होते थे। इनके अलावा उस टाइम के बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस है जो उस टाइम के हेरिटेज के बारे में हमें आज भी बताती है। बहुत सारी बिल्डिंग्स, टेंपल, प्लेसेस, फोर्ट्स वगैरह हैं जो जिनसे पता चलता है कि उस टाइम की जो कंस्ट्रक्शंस थी वो बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट इज सील्स, सील्स वर मेड अप ऑफ कॉपर स्टोन, सोप स्टोन एंड क्ले, अ लार्ज नंबर ऑफ सील वर फाउंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आवर नॉलेज रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल बेस्ड ऑन मोस्टली ऑन द इंफॉर्मेशन सीन दैट पीरियड, दे टेल अस वर ट्रेड लिंक्स बिटवीन हड़प्पा एंड मेसोपोटामियंस। सील्स जो हैं वो कॉपर स्टोन, सोप स्टोन्स, क्ले से बनाए जाते थे या फिर बने होते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब पूरी तरीके से एक्सकवेटेड किया गया तो उसमें बहुत सारी रिलीजियस लाइफ की सील हमें प्राप्त हुई। सील जो हैं वो उस टाइम के ट्रेड्स हड़प्पन और मेसोपोटामियंस में किस तरीके की ट्रेड हुआ करते थे उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है आर्टफैक्ट, आर्टफैक्ट रिफर टू द वर्क सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर, पोट्री, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा, दे प्रोवाइड नॉलेज ऑफ कल्चर अचीवमेंट्स ऑफ द पीपल्स ऑफ दैट इज, दे टेल अस अबाउट रिलीजियस बिलीफ, देयर आर्ट आर्टिस्टिक्स लाइफ स्टाइल एंड पोलिटिकल सेटअप ऑफ आवर एंसेस्टर। जो आर्ट फैक्ट्स है वो बहुत सारी पेंटिंग्स, स्कल्पचर, पोट्री, इनके अलावा आर्नामेंट्स पर आधारित है जो ये बताती है कि उस टाइम की कि लोग किस तरीके के कल्चरल अचीवमेंट्स और किस एज ग्रुप के पीपल्स किस चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते थे या लोगों के क्या वर्क होते थे, कौन सी सर्विस कौन लोग प्रोवाइड करते थे। इनके अलावा ये रिलीजियस बिलीफ्स, स्किल और लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरीके से हुआ करते थे। कुछ एक्टिविटीज़ आप अपने कॉपीज़ में करेंगे वो है विजिट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, अगर आपने विजिट किया होगा तो उसके कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करिए कि when and whom, by whom was built, ठीक कि पूरी तरीके से जो बिल्डिंग्स थी वो कब और कैसे बनाई जाती थी। उस बिल्डिंग्स में मतलब जिसको आपने देखा होगा उस बिल्डिंग्स को बिल्डअप करने के लिए कौन से मटेरियल को यूज किया गया और उसके थ्री इम्पॉर्टेंट फीचर जो लिटरेरी सोर्सेस है उसको आपको नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप इतनी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िए और इसके बारे में बहुत अच्छे से तैयारी करिए अपना और नेक्स्ट चीज़ें अगले वीडियो में डाली जाएगी।